आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। श्री कृष्ण जन्माष्टमी है और भगवान को बड़े रुच रुच के भोग लगाना चाहिए। भोग लगाने से भगवान की कृपा भोग में आ जाती है। आज मैं आपको इसी संदर्भ में एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी तो बहुत छोटी सी है और बहुत पुरानी है। मैं तो भोग का महत्व बता रही हूँ। भोग का क्या महत्व है देखिए, मैं अपनी गैस को जला रही हूँ और मैं आज पंजीरी का भोग भगवान के लिए बना रही हूँ। मैंने थोड़ी सा आटा पहले से ही भूंज लिया था और ये मैंने सूजी भी भूंज कर रख ली है, शक्कर पीस कर रख ली है और ये सारी मेवाएं हैं। अब मैं आपको भगवान का महत्व बता रही हूँ, भोग का, कि हमें भोग भगवान को प्यार से क्यों लगाना चाहिए। भगवान तो भोग खाते नहीं हैं पर सब लोग बड़े प्यार से भोग लगाते हैं, पर ये किसी को मालूम ही नहीं है कि इस भोग का क्या महत्व होता है। भोग का ये महत्व है कि जब हम भगवान को भोग लगाते हैं, बड़े ही श्रद्धा से भोग लगाते हैं, तो भगवान की कृपा उस भोग में आ जाती है और वह भोग हमारे लिए अमृत बन जाता है। देखिए, इसी संदर्भ में मैं आपको एक लघु कथा सुना रही हूँ। एक बहुत बड़े सेठ जी थे, उनके पास पैसे की कोई कमी ना थी। पैसा इतना था, इतना पैसा था कि वो चाहते तो कुछ भी कर सकते थे। उनके यहाँ एक ही संतान थी। अचानक उनके बेटे को बुखार आ गया। उन्होंने शहर के किसी भी डॉक्टर को नहीं छोड़ा, सारे डॉक्टरों को दिखाया, लेकिन उनके बेटे का बुखार जाने का नाम ही नहीं ले रहा था। बहुत परेशान हो गए। अब उनको भगवान पर कोई विश्वास नहीं था, वो भगवान को बिल्कुल नहीं मानते थे, क्योंकि उनके पास पैसा इतना अधिक था और उनको अपने पैसे का बड़ा ही घमंड था कि मेरे पास तो इतना अधिक पैसा है। एक दिन क्या हुआ कि वो मंगलवार का दिन था और बाहर निकले तो उनके दरवाजे पर एक साधु महाराज आ गए। वो साधुओं को भी नहीं मानते थे, वो किसी को भी नहीं मानते थे, वो उनको पैसे का बड़ा घमंड था। तो उन्होंने कहा, महाराज हमारे बेटे की बहुत तबीयत खराब है, क्या आपको मैं भिक्षा दूंगा तो आप मेरे बेटे को ठीक करने का कोई उपाय बताएंगे? तो साधु महाराज ने कहा, हाँ क्यों नहीं, भगवान की कृपा से सब कुछ हो सकता है, भगवान की कृपा से सब ठीक हो जाता है। तो सेठ जी बोले, अरे वाह, वो पत्थर का भगवान क्या करेगा, मैं तो सारे ही जो है पूरी ही सिटी के लोगों को दिखा चुका हूँ, मेरे बेटे का बुखार नहीं उतर रहा है। तो साधु महाराज ने कहा, आपको भगवान पर विश्वास रखना चाहिए तो आपका बेटा अच्छा हो जाएगा। तो उनने कहा, बातों से क्या होता है, आप मुझे उपाय बताइए। उन्होंने कहा, भाई एक काम करो, सवा पाव बूंदी के लड्डू मंगवा लो, तो कहीं नहीं जा सकते तो हनुमान जी के मंदिर में ही जाके इसका भोग लगा लो और भोग प्रसाद ले आके अपने बेटे को खिला दो। तो सेठ जी तो थे ही घमंडी, उन्होंने कहा, अरे सवा पाव क्या, मैं तो सवा किलो का भोग लगा दूंगा, मेरा बेटा अच्छा हो जाना चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है, और वो गए और उन्होंने सवा किलो अच्छे बढ़िया बूंदी के लड्डू लिए और हनुमान जी के मंदिर में पहुँच गए और बड़े घमंड में आके उन्होंने उस भोग को हनुमान जी को लगाया। अब इतने घमंड से भोग लगाने से क्या भगवान प्रसन्न होते हैं, उसमें क्या अपनी कृपा दृष्टि डालेंगे? उनका बेटा ठीक नहीं हुआ। अब अगले मंगलवार को साधु जी फिर आए तो उन्होंने कहा कि साधु महाराज, आपका जो आपने बताया था वो भी बेकार चला गया, मेरे बेटे का बुखार तो उतर ही नहीं रहा है, मैंने तो सवा किलो का भोग चढ़ाया, कुछ भी नहीं हुआ, मैंने उसको भोग भी खिलाया तो भी नहीं उतरा। तो साधु महाराज कहने लगे, आप एक काम करिए कि मुझे सवा पाव लड्डू दे दीजिए, मैं भोग लगा के आपके बेटे को खिलाऊंगा, कैसे बुखार नहीं जाएगा, हो ही नहीं सकता कि भगवान का प्रसाद कोई खाए और उसकी तबीयत अच्छी ना हो। तो बड़े दुखी मन से उन्होंने, सेठ जी ने सवा पाव लड्डू उसको दे दिए। अब साधु गया और साधु महाराज ने हाथ जोड़ के हनुमान जी के सामने भोग को रखा और बड़े दुखी मन से कहने लगे कि भगवान, अब तो मेरी लाज सिर्फ आपके ही हाथ में है, आप चाहें तो मेरा उद्धार हो सकता है, मुझे नहीं तो मुझे भी
सेठ जी की बातों में यकीन आने लगेगा कि आप विश्वास नहीं, आप सब पर कृपा नहीं करते हैं। और बड़े आराम से, बड़े दयनीय भाव से उसने भगवान की प्रार्थना की और कहा, हे प्रभु, अब मेरी लाज आपके ही हाथ है। तो भगवान ने कहा किया कि उस भोग में अपनी कृपा को डाल दिया। और वो आया और उसने, साधु ने सेठ से कहा, भाई अब अपने बेटे को इस भोग को खिला लो। तो सेठ जी ने कहा, ठीक है, आप कहते हैं तो मैं अपने बेटे को इस भोग को भी खिला कर देख लेता हूँ। और सेठ जी ने बड़े ही दुखी मन से अपने बेटे को एक लड्डू खिला दिया। चमत्कार हो गया साहब, चमत्कार। उस लड्डू को खाते ही सेठ जी का बेटा, जो कि इतने दिनों से बुखार से पीड़ित था, एकदम से ही अच्छा हो गया। और सेठ जी यह देखकर बड़े प्रसन्न हुए और अब उन्हें भगवान पर विश्वास हो गया। भगवान तो सेठ जी को यह बता रहे थे कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, पैसे से कुछ नहीं होता है, हमें भगवान पर भी विश्वास रखना चाहिए। इसीलिए हमको भगवान का रुच रुच कर भोग बनाना चाहिए और उनको बड़े प्यार से ही भोग लगाना चाहिए। इसीलिए देखिए मैं कितने अच्छे प्यार से भगवान की ये पंजीरी बना रही हूँ। पंजीरी तो सभी लोग बनाते हैं, मुझे तो आज कहानी सुनाना थी, हमें भोग का महत्व बताना था, इसलिए मैंने आज ये पंजीरी आप सबके समक्ष बनाई है। ये देखिए मेरी पंजीरी गुलाबी हो गई है और मैं अब इसमें भूंजी हुई, मैंने सूजी पहले ही भूंज ली थी और इसमें मैंने एक चम्मच तेल डाला है, एक चम्मच घी डाल दिया है। अपनी पंजीरी में मैंने सूजी मिला दी है, एक कटोरी सूजी मिला दी। मैंने 2 कटोरी आटा लिया था और उसमें 1 कटोरी सूजी मिला दी है। भगवान का भोग बड़े रुच रुच के बनाना चाहिए। ये मैंने गरी, किशमिश, बादाम, काजू और छुहारे, मखाने, सारी मेवा ली है और अब मैं इसमें अपनी मेवा डाल रही हूँ। भगवान से इसी आशा के साथ कि जो भी इस प्रसाद को खाए और उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं, वह स्वस्थ रहे, लंबी आयु हो, भगवान इस प्रसाद को ग्रहण करेंगे और सभी को दुखों को दूर करेंगे। ये देखिए मेरी पंजीरी बढ़िया अब तैयार हो गई है, मैंने इसमें सारी मेवा भी डाल दी है और अब मैं अपनी गैस को बंद करती हूँ। अब मैं इसमें डाल रही हूँ शक्कर, मैंने 1.5 चम्मच शक्कर ले ली थी और उसको पीस लिया था। अब मैं इसमें अपनी शक्कर भी मिला रही हूँ और जब मैं भोग लगाऊंगी तो मैं इसमें तुलसी की पत्ती ज़रूर डालूंगी। कहते हैं कि 56 भोग 3600 व्यंजन और बिन तुलसा हरि भोग न लेवे। कृष्ण भगवान तो बिना तुलसी के भोग नहीं लेते हैं, विष्णु भगवान के भोग में तुलसी पत्र तो ज़रूर ही होना चाहिए। धन्यवाद।